तो दोस्तों इसको जो है महाराष्ट्र का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है और काफ़ी कुछ बोला जाता है, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देखा है तो वो आपको बता रहा हूँ, किसी की सुनी या देखी दिखाई बातों पे नहीं, लाइव मोमेंट मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और ये वीडियो बनाने से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मैं ऐसी जगह यानी कि नेचर को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये नज़ारा, हाँ बैसों की पूल पार्टी। तो ये स्विमिंग पूल है इनके लिए, ठीक है दोस्तों, उनको भी आके एंजॉय करने का, अगर कोई इनको पार्टिसिपेट करना चाहे इसमें तो जा सकता है। तो दोस्तों ये जो जगह है ये थोड़ा डीप गहरा है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो फर्स्ट एरिया जो है यहाँ पे जो डीप गहरा है, तो यहाँ पे आप लोग मत आना, क्योंकि ये देखिए इनकी हाइट और इनका वेट कितना होता है, ये खुद इतना डूबी हुई है, ये देखिए, तो इतना डूबने के बाद तो सोचो कि कितना गहराई और कितना दलदल हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं अभी आगे की तरफ, ठीक है, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये दूसरी जगह मैं आ चुका हूँ अभी, दूसरी जगह यानी कि वो जो वहाँ पे था, देखो वहाँ पे जो है लेफ्ट में वो अलग तालाब है, तो वहाँ पे जो है ना उनको नहाने दीजिए, और जहाँ पे लोग नहाते हैं देखिए ये जो यहाँ पे जो रास्ता है वहाँ से जो पानी आ रहा है, रास्ता जो दिख रहा है, तो यहाँ से आप आके इंजॉय कर सकते हो, ये इंसानों के लिए नहाने के लिए ठीक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अजब और खूबसूरत नज़ारा, ये देख सकते हो आप वीडियो में, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप मत नहाना, यहाँ पे आके नहाना, ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे कैसे पब्लिक यहाँ पे नहा सकती है, मतलब फ्रेश आप इंजॉय कर सकते हो ये जगह पे, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप गहरा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आना। तो ठीक है दोस्तों, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी कि अगर आपको स्विमिंग वगैरह आती है या आप एक्सपर्टीज है तो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये सारा व्यू है हमारा इगतपुरी रेलवे डैम का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल न्यू होने के कारण काफ़ी लोगों तक ये नहीं पहुँच पा रहा है वीडियो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप ट्रैवलर है, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए, और ये जगह बाय नेचर बहुत खूबसूरत और प्यारी है, ज़रा भी कोई गंदगी यहाँ पर नज़र नहीं आई है और ना आनी चाहिए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोशिश करें जगह को क्लीन रखने में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आने का ज़रिया मैंने आपको बताया, रास्ता बताया, खाने पीने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इजी और आसानी से आ सकते हैं रेलवे डैम। अगर आप इगतपुरी रेलवे स्टेशन उतर के किसी को भी बोलोगे, कोई भी आपको यहाँ पे ऑटो में लेकर अगर छोड़ देंगे, अब वो पैसा पता नहीं कितना है, बट फिर भी आप उनसे बार्गेनिंग कर लेना, इतना दूर नहीं है, मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर होगा। और व्यू आप देख सकते हैं, मेरे पीछे का व्यू देखिए, ये जो मेरे पीछे का व्यू है और ये जो है सामने का व्यू है फ्रंट, तो दोनों व्यू का मैं नज़ारा आपको बता रहा हूँ। तो उस तरफ काफ़ी बेहतरीन पहाड़ी है वो देखिए, और इस तो दोस्तों कितना भी मैं वीडियो निकालूँ वो उतना कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है, और इसके अलावा यहाँ पे आने जाने का कोई इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं है,
तो आप लोग आएंगे तो अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, तो आप लोग आधा दिन यहाँ निकाल कर इसके बाद फिर आप जा सकते हैं वो अशोका वाटरफॉल, अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज आप घर पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके पास कितना आपके पास टाइम है। तो मेरे पास उतना टाइम था और मुझे सारी चीज़ें कवर करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम सब जगह दे रहा हूँ ताकि वीडियो के ज़रिए आपको बता सकूँ कि महाराष्ट्र और मुंबई में ऐसी बहुत सी जगह है जो एक्सप्लोर की जा सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बार बार दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैनल न्यू है, लोगों तक ये जगह शायद पहुँची नहीं है, तो पहुँच जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते, तो मेरे इस वीडियो के ज़रिए से वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसा नज़ारा खूबसूरत जो देखिए आसमान और किस तरह, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर आप मेरे वीडियो के ज़रिए भी कर सकते हैं, फिजिकली आप आके यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो जो चीज़ है मैंने आपको सब बता दी, जितना सच था, जो सारी चीज़ें मैंने सुनी थी वो आपको दिखा दिया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें।